अवगुण परे एक गुना ही अमृत छाद बिख बिख खाही माया मोह परम पै पूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास रख हो शरणाई सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुपाए दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए सतनाम वाहे गुरु साहिब जी सूही महला पंजवां बहती जात कदे दृष्ट ना तारत मिथ्या मोह बंद है नित पारच बहती जात कदे दृष्ट ना तारत मिथ्या मोह बंद है नित पारच माधवे भज दिन नित रैणी जन्म पदार्थ जीत हर सरणी रहाओ करत विकार दो कर चारत राम रतन रिद तिल नहीं तारत परण पोखण संग आउद बिहानी जय जगदीश की गत नहीं जानी शरण समर्थ अगोचर स्वामी उधर नानक प्रभ अंतर जामी शरण समर्थ अगोचर स्वामी उधर नानक प्रभ अंतर जामी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह महा दिवस मूर्त पले जिसको नदर करे नानक मंगै दर्श दान कृपा कर हो हरे सतनाम वाहे गुरु साहिब जी आषाढ़ तपंदा तिस लगै हर नाह ना जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संधि आस आषाढ़ तपंदा तिस लगै हर नाह ना जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संधि आस दोए पाए विगुचिया गल पईस जम की फास जेहा बीजै सो लुणै मथै जो लिखियास रैण विहाणी पछोताणी उठ चली गई निरास जिन काओ साधु भेटी है सो दर्ग है होए खलास कर कृपा प्रभु अपनी तेरे दर्शन होए प्यास प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास आषाढ़ सुहंदा तिस लगै
जिस मन हर चरण निवास। प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास। आषाढ़ सुहंदा तिस लगै, जिस मन हर चरण निवास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, कृपालू पातशाह जी ने अमृत वेले पावन फुरमान जो बख्शिश किया, असी सारे ने सरवण किया। सूही राग दे विचों गुरु अर्जन देव महाराज जी का पावन शब्द है, सच्चे पातशाह जी के पावन मुखारबिन तो उच्चारण किया हुआ। इस शब्द का केंद्री भाव परमात्मा की बंदगी करनी, दिन रात पठे पैर। साहिब कहते ने माधवे भज दिन नित रैणी, जन्म पदार्थ जीत हर सरणी रहाओ। इस पंक्ति तो शब्द का सारा अर्थ, उहदा भाव स्पष्ट हो जाता है भी सच्चे पातशाह इस शब्द दे विच परमात्मा की बंदगी करन दी गल कर रहे ने, दिन रात अठे पैर क्यों करनी है। साहिब कहिंदे ने तू जो परमात्मा वालों तेनू जन्म मनुखा रूप दे विच मिलिया है, उन्हों सार्थक करके वापस उहदी हजूरी विच पहुँच जाएगा जे तू उहदा नाम जपना हर समय। तो इहदा स्पष्ट जिहा अर्थ इस रूप च है भी सानू महाराज खास तौर पर मनुखां नू नाम जपन की ताकीद कर रहे ने, परमात्मा प्रति सुचेत रहने की अठे पैर हर समय। इहदा मतलब यह होया भी असी किते अचेत हो जाने, असी उहनू विसार देने, असी भुल जाने, जां असी किते होर कम्मां दे विच रुझ जाने। कोई चीज़ जदों किसी नू चेते कराई जाती है तो इहदा मतलब वो इंसान उहनू विसरदा जां उहनू सेकेंडरी रख दिंदा जां कई वारी इग्नोर कर दिंदा, नज़रअंदाज करदा। तो सच्चे पातशाह फिर बार बार सानू यह गल समझाते भी उन्हों याद रखना है। क्यों? क्योंकि यह साडा जन्म जिहड़ा मनुख मनुख होने का सब तो वड्डा जिहड़ा फर्ज है वह परमात्मा की बंदगी है। साध संगत जी गुरबाणी के अध्यात्म के असूलों अकॉर्डिंग यही सच है। शब्द के आरंभ के महाराज कहते हैं बहती जात कदे दृष्ट ना तारत। हुण जदों असीं रहाओ की पंक्ति के अर्थ कर लाँगे ना सानू ध्यान च आ जाएंगे, समझ च आ जाएंगे या साडी विचार च आउणगे, फिर सारा शब्द जदों असीं पढ़ांगे फिर साडे ध्यान च आंदा रहेगा भी महाराज ने बंदगी करन वास्ते क्यों कहा, भी सानू क्यों बार बार प्रेरदे ने इस काम वास्ते। तो सच्चे पातशाह इस शब्द के आरंभ के सानू साडे जीवन की कीमत दसते भी आ जिंदगी एवें नहीं मिलगी तुहानू, इहदा मतलब सिर्फ ये नहीं भी तुसीं एवें दुनियादारी च इहनू बिता देवो। साहिब कहिंदे ने बहती जात, जिंदगी का जिहड़ा प्रवाह है लाइफ का, उहनू महाराज नदी के पानी के नाल तशबीह देंदे ने, कंपेयर करदे जिवें नदी का पानी बहिंदा। तो नदी के विच पानी जिहड़ा बहिंदा है उहदी सब तो खासियत की है, तुसीं कदी नदी के किनारे जाओ, खलो जाओ, पानी के उत्ते नज़र गड़ के रखो, जेड़ा एक वारी तुहाडी नज़र चो लंघ गया पानी दुबारे तुसीं उहनू नहीं वेख सकते, उत्थों ये सबक मिलेगा। इस करके महाराज कंपेयर करते हैं नदी के नाल, बहती बहती तो बहती तो नदी हो ही ना जिहड़ी चीज़ प्रवाह च है, ये तो इहदा मतलब लाइफ भी साडी एक प्रवाहित हो रही है, वह रही है, समा जिहड़ा तुर रहा है। कोई भी चीज़ जी तुरदी है उत्ते तुसी किते एक जगह के उत्ते कंसनट्रेट नहीं कर सकते, मतलब एक चीज़ नू बार बार नहीं लभ सकते होंगे,
वह तुहाड़ियां अखां दे अगों ओझल हो जाए। साड़ी जिंदगी दा हर खिन जिहड़ा है जिहड़ा एक वारी पास हो गया इस सर्कल दे विच्चों लंघ गया वह दुबारे असी उहनूं नहीं जी सकते ना वेख सकते हैं ना ही उहनूं असी उहदे बारे कुछ कर सकते वह तो जिहड़ा गया ते गया। तो महाराज कहिंदे ने बहती जात भी इस तरह तेरी जिंदगी दा प्रवाह चल रहा फिर जे महाराज ये चल रहा क्योंकि ये कुदरती है ये तो चलना ही असी तो रोक नहीं सकते फिर असी की करना है बहती जात कदे दृष्ट ना तारत भी तू उन्हू नहीं वेख रहा साढ़े वास्ते सबक ये भी ये तो प्रवाह चलो जे असी मान लीए भी महाराज ने दसिया भी इस जिहड़ा समय चलता तो सच्चे पातशाह ते कन्फर्म है भी चलता ये तो रुकना नहीं। तो महाराज अगे फिर कहिंदे ने भी इहनू तू वेखना इहने रुकना नहीं तू इहदे वेखना वेखण दा मतलब हुंदा भी उहदी कीमत समझनी उहदी वैल्यू नू जानना भी जिहड़ा लंघ रहा है या लंघ चुकिया है तो या जिहड़ा इहनू फ्यूचर पिया है उहदे नाल साडा की लैण देण। जो चीज़ बीत गई जिहड़ा वक्त बीत गया वह मनुख उहनू किसे भी तरीके नाल कुछ नहीं उहदे विचों हासिल कर सकता वह तो गया खर्च हो गई गल। तो दृष्ट धारनी वेखना हुंदा जिहड़ी प्रेजेंट सिचुएशन जिवें मान लो तुसीं नदी दे उत्ते एवें खड़े हो तुसीं नज़र पानी दे उत्ते रखी हुई है तुहाडी नज़र जिथे है उही प्रेजेंट सिचुएशन है उही प्रेजेंट है बस उही वर्तमान स्थिति है जिहड़ा पिछे आ रहा है जिहड़ा पहला लंघ गया उहदे उत्ते असीं कुछ नहीं कर सकते। तो उस दृष्ट धारण का मतलब ही है भी उहदे प्रति सुचेत होना उहनूं मानना उहनूं वेखना उन्हूं समझना उहदा आनंद लेना। तो साहिब कहिंदे ने जिंदगी दा जिहड़ा पल तुहाडे कोल आ उहदा आनंद लेना फिर मनुख उहदा आनंद किवें ले लेगा आपां जिवें जिन्ना भी समय साडे कोल असीं उहदे विचों समय नूं किवें चूज़ कर लांगे भी आह साडे वास्ते वधिया होऊगा ठीक होऊगा भी इस टाइम कर लांगे जिवें आपां बाणी पढ़दे हां नेम नितनेम दे रूप दे विच कुछ भी तां ही महाराज रहाउ दी पंक्ति च कन्फर्म करदे ने भी उहनूं दिन रात ही करना दैट मीनस भी उहदी प्रेजेंस नूं हर समय फील करना है कोई पता नहीं मनुख कदों उहदे विचों उस रस नूं मान सके। जरूरी नहीं भी असीं नदी दे पानी नूं वेखी जांदे ते हर उत्थों निकलण वाली जिहड़ी लहर आ पानी है उह सानूं आनंदित कर रहा है कोई पता नहीं कित्थे तुहाडी कंसंट्रेशन बने कित्थे तुसीं न्यूट्रल होवो तुहानूं उहदी उह लहर जिहड़ी है उहदा कोई एक्सपीरियंस होए नहीं तो उह पानी दा प्रवाह ही दिसेगा। जिंदगी इसे तरह ही चलती रहिंदी है उहदे विचों कदी शब्द की प्रेजेंस नूं मनुख फील करता है उहनूं अनुभव करता है उदों फिर उहनूं आनंदित हुंदा है उदों फिर उहनूं उस सारे पानी की वैल्यू पता लग जाती उस सारे बहाव की वैल्यू पता लग जाती। तो इस करके महाराज सानू उस वर्तमान स्थिति के प्रति सुचेत करते हैं और वह वर्तमान स्थिति जी असी खुद तो अंदाजा ला नहीं सकते भी कदों हो सकती। तो इस करके महाराज वो प्रेजेंट प्रेजेंस में परमात्मा दी हर समय फील करने की गल करते हैं याद च रखन की। बहती जात कदे दृष्ट न धारत साड़ी कमजोरी है भी असी कदे भी उहदे ते कंसंट्रेट नहीं करते ये साड़ी कमजोरी महाराज दर्शा रहे। अच्छा सच्चे पातशाह तुहानूं इह ते पता है भी साड़ी कमजोरी आ भी असी इत्थे फसे हुए हां भी असी उत्ते ध्यान नहीं देंदे क्यों नहीं देंदे फिर असी ध्यान क्यों नहीं देंदे इह सानूं ते पता है भी असी क्यों नहीं तां तुसीं दसो। सच्चे पातशाह कहिंदे ने मिथ्या मोह बंध है नित पारच भी तू मिथ्या दे लाइफ दे जिहड़े सोचे समझे हुए कार्ज ने ना अपने जिहड़े तू एक आइडियाज़ क्रिएट किए हुए अपनी एक दुनिया तू बनाई हुई तू सारी अपनी एनर्जी उत्थे खर्ची जाने हर मनुख इन फ्यूचर प्लानिंग च जी रहा है अध्यात्म जिहड़ा ना साध संगत जी आई है बस भी मनुख ने वेखना है भी वह जी कि स्थिति च रहा है वर्तमान च जीवन वाला अध्यात्म की दुनिया च कहिंदे ने भी साधु हुंदा संसारी लोग जां भूत च जीवंदे ने जां भविख दे विच मोस्टली जिहड़ा मनुख भविख दे विच जीवंदा हुंदा जिहड़े निर्बल हो जांदे ने वह अतीत दे विच जीवंदे ने मान लो जदों साडे इंद्रे साडे शरीर काम करना छड्ड देणगे आपां बजुर्ग हो जांगे सारे जवाब देण लग जाएगा शरीर उदों मनुख इन फ्यूचर ते कुछ सोच ही नहीं सकदा ना कर सकदा उहदे कोल कोई ऑप्शन ही नहीं फिर वह अतीत च जाएगा अतीत जो उहदा बीतिया होया समय उहदे विचों फिर उहदे जो जीवन दीआं रंग रलियां सन कोई उहदे सकून वाले पल सन उहनां नूं याद करदा। तुसीं कई कदी देखो जिहड़े बजुर्गां ने एवें लाइफ जीवी है तुसीं उहनां दे कोल बह के देखियो वह गल्लां उही सुणाउणगे
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ, ਇੱਕ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਕਹੋ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਡਰਨਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੌਤ ਖੜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੂੰ ਮਿੱਥਿਆ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਸੰਹਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਹੀ। ਮਾਧਵੇ ਭੱਜ ਦਿਨ ਨਿੱਤ ਰਹਿਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹਨੇ ਆ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਤ ਯਾਦ ਰੱਖ ਹਰ ਸਮੇਂ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਹਰ ਸਰਣੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਕੁਝ ਖੱਟ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਏਗਾ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਵ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਐਫਰਟ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕੋ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਐਫਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਦਾਰਥਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਘੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 20 ਸਾਲ, 25 ਸਾਲ, 30 ਸਾਲ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਬਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੌੜ 'ਚ ਤੁਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਲਾਉਣ ਦੀ? ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਜੁੜੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਜੈਂਸ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਆਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੈ ਗਈ। ਕਿੱਥੇ? ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਾਲ। ਮੁਸ਼ਕਤ ਹੈ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁੱਖ ਉਜਲੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਜਲੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਗਈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਆ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਏ, ਉਵੇਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਲਾਸੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਸ ਕਮਾਈ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਰਤ ਵਿਕਾਰ ਦੋ ਕਰ ਝਾਰਤ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਸਥਿਤੀ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ, ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਕਰਤ ਵਿਕਾਰ ਦੋ ਕਰ ਝਾਰਤ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦਿਆਂ, ਕਪਟ ਕਰਨ ਦਿਆਂ, ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦਿਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦਿਆਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਕਰਤ ਵਿਕਾਰ ਦੋ ਕਰ ਝਾਰਤ, ਦੋ ਕਰ ਝਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਰੀ ਚਲੋ। ਰਾਮ ਰਤਨ ਰਿੱਧ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਧਾਰਤ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀ, ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਏ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਉਹ ਵਾਸਤਾ ਕਿਉਂ ਪਾਈਦਾ? ਵੀ ਭਾਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਏ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਸੋਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੇਕ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਆ, ਆ ਸਾਰੀ ਐਨਰਜੀ, ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਰਚਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਸ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਜੋ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ ਉਹ ਹੀ ਲਿਖੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਤ ਵਿਕਾਰ ਦੋ ਕਰ ਚਾਰਤ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਝਾੜਨੀਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ।
राम रतन रिद तिल नहीं तारत। हुण एक इहदे च बड़ी एक होर नुकता बड़ा कमाल दा, महाराज कहिंदे रत्ती भर भी उह परमात्मा दा नाम जिहड़ा उहदी याद जिहड़ी उह अपने हिरदे च धारदा ही नहीं, धारण कर ली। धारण धारदा मतलब हुंदा धारण कर ली, दैट मीनस फॉलो करना किसी चीज़। जिवें मान लो तुसीं कोई कपड़े खरीद के लियाओ, घर लिया के रख छड़ो, टैची च सामने रख छड़ो, धारणा हुंदा उहनां नूं पहरना जदों वो तुहाडे काम च आउण। जे वो पए ने तो पए रहन, उहनां दी की वैल्यू आ। जिहड़ी चीज़ काम च ही नहीं आ रही, तुहाडे कोल कीमती होवे भी तो पई रहे। तो किसी भी चीज़ की वैल्यू उदों है जदों असीं उहनूं काम च लै रहे। साढ़े अंदर परमेश्वर की याद का होना भी इस गल का मतलब है भी जदों मनुख सात्विक गुणा नूं धारण करता है। उंज तो सारी दुनिया नूं पता भी रब है, इहो जिहा बहुत घट लोग ने जिन्हां नूं इह होवे भी कोई है ही नहीं ताकत। सब नूं पता भी कोई ना कोई ताकत तो हैगी, उहनूं कोई रब कह लैंदा, कोई अल्लाह, कोई वाहिगुरू, कुछ कुछ। पर साहिब कहिंदे ने तिल मात्र भी नहीं धारदा मनुख। जदों तिल मात्र भी नेकी अपने हिरदे च धारदा ना, इहदा मतलब भी उहनूं तिल मात्र परमात्मा दे होण दा अहसास है, तां उह नेकी अपने अंदर लै के आउंदा। नहीं तां आपां नूं नेकी करन दी लोड़ ही नहीं किसे नूं, जो मर्जी करी जाओ। तो साहिब कहिंदे ने जिवें जिवें नेकी आउंदी है मनुख दे अंदर, जिन्नी मैल आ फिर उहदे मुकाबला शुरू हो जांदा। हर चीज़ ना एक फीलिंग देती है मनुख नूं, एक अहसास देती है, एक एनर्जी देती है, एक एवें कह लईए भी मनोरंजन भी देती, आनंद जो देती। इहनूं कोई लफ्ज़ यूज़ कर लईए, कुछ ना कुछ वो देती है। वो देण दे करके ही साडा उहदे च इंट्रस्ट होर वधदा। भी जे उहदे विचों कुछ प्राप्त ही नहीं सानूं हो रहा, फिर साडा इंट्रस्ट कहनूं बनेगा उहदे च। मनुख धन कमाता ना, इन्नी ताकत लाता, वो कुछ सुख की आस होंगी और वह फील भी करता है। उन्होंने मतलब वधिया सहूलत जो मनुख को होंदिया ने, बाहरी तौर पर उन्होंने चीज़ों फील करता हूँ, उन्होंने भोगता, उन्होंने वो कुछ मिलता। इस करके वह बार फिर वो होर जोर लाता भी मैं इदू वधिया करा, इदू वधिया करा। तो परमात्मा के नाम के नाल जुड़न करके, परमात्मा वाले पास तुरन करके, संगत च जाण करके मनुख के अंदर सात्विक गुण आते हैं, ये कोई शक नहीं। वो सात्विक गुणा का स्वाद भी है, भी वो टेंशन भरी लाइफ के एक कितने सुकून के पल आते हैं जदों कभी संगत च जाता है, कभी बाणी पढ़ता है। वो कई आप बहुत सारे लोगों को आम ही सुने, वो कहते हैं भी जो संगत आई है, जो बाणी पढ़ ली, जो महाराज जी के दर्शन करके ना बड़ा चंगा लगे, वो चंगा वह रिजल्ट आ जो नेकी असी धारण की। तो साहिब कहते हैं जो धारण करे तो वह रिजल्ट होए, पर यह की करता है, ये बेनेकी जिहड़ी है उहनूं कट्ठी करदा, मैल नूं कट्ठी करदा। परमात्मा की याद एक तिल भी नहीं अपने अंदर वसन दिंदा। परण पोखण संग औद बिहाणी, इस तों अगला काम की करदा, सिर्फ कंसनट्रेट करदा अपने काम के उत्ते, पालन पोषण ते। अपने पालन पोषण की है, शरीर पालना, शरीर नूं संभाल के रखने की कोशिश करनी, इहनूं सहूलतां देनियां, इहदियां सहूलतां नूं कट्ठियां करन वास्ते ताकत लाउंदी रहिंदी। परण पौखण पोखण संग औद बिहाणी, औद बिहाणी जिंदगी बीत गई। महाराज बाणी च पता है, बड़े स्पष्ट लिख देंगे, चेतना है तो चेत लै निस दिन मैं प्राणी। चेतना का मतलब होंदा है जागृति आउणी, जाग आउणी, अवेयरनैस आउणी। उस खिन दे विच, उस पल दे विच, उस समय दे विच मनुख नूं ज्यौण दी जाच आउणी। जिस किहड़ा पल वर्तमान भी जिहड़ा सिर्फ उहदी याद च। तो साहिब कहिंदे ने चेतना है तो चेत लै निस दिन मैं प्राणी, छिन छिन औद बिहात है, फूटे घट ज्यों पाणी। एक जगह ते पाणी दा प्रवाह है, एक जगह महाराज उहदा तशबी प्रमाण दिंदे ने नौवें पातशाह भी जिवें घड़े दे विच त्रेड़ आई होवे ना, तां विचों फिर पाणी सिमदा। तो इहदा मतलब साडा टाइम स्टार्ट। आपां दौड़ दूर नहीं वेखी कदी, उहदे च बैठे खड़े होंदे ना जिहड़े जजमेंट करन वाले, उहनां घड़ी लाई हुंदी सैकेंड्स दे उत्ते, उसे टाइम वो कह दिंदे ने भी टाइम, योर टाइम स्टार्ट नाउ। जदों उन्होंने नाउ कहता फिर तुहाडी घड़ी वो माइनस होना शुरू हो गया, जे मिनट है, दो मिनट है, कुछ। मनुख जदों जन्म लैंदा सच्चे पातशाह कहिंदे ने उहदे हुक्म दे नाल मां दे गर्भ च आया, उदों ही घटना शुरू हो जाता, उहदा भी टाइम शुरू। तो इहदा मतलब जदों टाइम शुरू आंदा है, मान लो दौड़ाक ने, दौड़न वाले ने, वो खड़े ने, जिहड़ा टाइमर खड़ा है, टाइम लैके उन्हें कहता भी तुहाडा टाइम स्टार्ट, गोली चलाई दौड़न लग के, बंदा किन्नी एनर्जी लाता है,
100 मीटर की दौड़, 200 मीटर की, 400, 1000, जिन्नी भी, बंदा कितनी एनर्जी लाता उसके विच बड़ा कुछ, हर चीज़ के विच अध्यात्म बैठा है, प्या है, वेखना है बस। उन्हें एनर्जी क्यों लाई भी दौड़ जितनी है। महाराज की कहते हैं यह भी दौड़ जितनी, जन्म पदार्थ जीत हर सरणी, यह भी दौड़ जितनी। यदा टाइम कदों स्टार्ट हो गया? सच्चे पातशाह कहते हैं जो जन्म ले लिया तुहाडा टाइम स्टार्ट। हुण इत्थे भी पूरी ताकत ला, बंदा कितने ताकत लाई जाता। हुण जिहड़े दौड़ाकां नूं जदों उन्हां दस्सिया भी आह तुहाडा टारगेट है दौड़ना, गोली चल गई, वो जो उल्टी दिशा च दौड़ना शुरू कर देण, भावें उह किन्नी एनर्जी नाल दौड़न, उन्हां नूं इनाम मिल जाएगा। आपां सारे सोचिए भी मिल जाएगा, किहड़ी दिशा च दौड़दे ने, जिधर वह कह के गोली चला देंगे भी यही दौड़ना इधर है, तुम दूजी उल्ट दिशा से दौड़ के जिनी मर्जी तुम एनर्जी लाई वह कोई फल नहीं मिलना। तो मनुख उत्थे ताकत लाते हैं, तो सच्चे पातशाह कहते हैं मनुखा जन्म मिलया, परमात्मा ने एनर्जी भी दी है, तुहानू ट्रैक भी दे दिता, वह मार्गदर्शक भी हैगा, गुरु तुहानू उस समय की हर समय रियलाइजेशन करवाता है, दसता है भी तुहाडा टाइम टुर रहा है, चल रहा है, फिर उत्थे भी टोटल एनर्जी ला दो। जे उल्ट दिशा च लाई जाते हो फिर वह लाभ दो। भरण पोखण साहब औध बिहाणी कितने लाती एनर्जी, दुनियावी पदार्थों के शरीर वास्ते, शरीर के सुखों वास्ते, रब वाले पासे लाई नहीं। हुण उल्टी दिशा च दौड़े तो उहदा ते कोई मुल नहीं, उहदा कोई मैडल नहीं। सरण समर्थ अगोचर स्वामी, हुण की करिए सच्चे पातशाह, फिर की है सोल्यूशन जी, साडे च तो इन्नियां कमियां हैगियां। तो साहिब कहिंदे ने तुसी उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण च आ जाओ, बस भी जिधर नूं वह इंडीकेट करता है ना, जिधर नूं उहदे इंडीकेटर जगदे, इशारे कर चलदे ने, चुप करके उस पासे नूं तुर, उधर नानक प्रभ अंतर जामी। अच्छा उहदी शरण च आ के भी अपना कुछ नहीं, एक कवि वेखो कि कमाल है शब्द दे विच, सरण समर्थ अगोचर स्वामी, जिहड़ा समर्थ है सारियां ताकतां दा मालक, जिहड़ी साडी हर पहुँच तो अगोचर है, दूर है। साहिब कहिंदे ने उहदी और स्वामी मालक आ, वह एक ही है, वह तो वो होर कोई, हुण उहदी शरण च आ के साडे कोल समर्था है भी असीं तुर पाँगे ना, उत्थे की करना है? उधर नानक प्रभ अंतर जामी, हे सच्चे पातशाह तू रहमत कीती अपनी शरण च लै आ, हुण सिर ते हाथ भी रख दे, हुण ताकत भी दे, हुण तुरन दा वे भी तू दे, मैं ते सिर्फ तेरे चरणा च बेनती करना, तोरना तू ही। पर परमात्मा रहमत करता है, सच्चे पातशाह रहमत करते ने, सानू बार बार सारिआं नूं गुरबाणी नाल जोड़दे ने ना, संगत च लैके आउंदे ने, बार बार वह जे जीआं दे नाल वी महाराज जिंदगी च मिलांदे ने, जिहड़े रब दीआं गल्लां करन, रब दे वाले पासे तुरन, सानू जिंदगी दी रीयल वैल्यू दीआं गल्लां दसदे ने। तो महाराज ये सारे उहदे बनाए हुए ने काम, सारे वह सानू लाइफ की वैल्यू ही दसदे ने। सच्चे पातशाह रहमत करन, ये वैल्यू साडी समझ तो अगां साडे अमल च आ जाए, कोई भी चीज़ जिन्ना चिर तक अमल च नहीं आउंदी उहदी समझ कोई मायने नहीं रखती, उहदी प्रेजेंस भी कोई मायने नहीं रखती। जिवें साडे कोल पदार्थ दे जिन्ने मर्जी अंबार लगे हुण, उन्हां दी की वैल्यू है जे असी उन्हां नूं खर्च ही नहीं कर सकते, जे असी उन्हां नूं भोग ही नहीं सकते। तो इस करके जिहड़ी चीज़ अमल च आउणा हुंदा उहनूं भोगना, उहनूं मानना, पदार्थ भोगिया जांदा, परमेश्वरी प्रेजेंस नूं मनुख मानदा है, उहदा आनंद लैंदा है। कृपालू पातशाह जी रहमत करन, सानूं इस पल दे विच जिउण दी जाच महाराज आप ही दसन, इह दात सारिआं दी झोली पाण, फुल चुक दिखे मां, आप सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद, गुरु कृपालू जी का बेअंत शुक्र, फुल चुक दी माफ़ी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।